तो वो तो भाई फिर अच्छा ही रहे हमेशा, मतलब एक उसकी अच्छा ही बेंच करी जाएगी एक, उसमें ये नहीं है कि अच्छा नहीं है अच्छा है, वो अच्छा ही है, उसको तो आप छोड़ दो। पर ये बताओ हमें कि गाने क्यों नहीं आ रहे, ब्रेक पे हो आप, क्या चल रहा है? नहीं मैं ब्रेक पे नहीं हूँ, पर मैंने थोड़े टाइम से वो वाले गाने जिनको आप यू नो बहुत मतलब डांस नंबर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं लोगों तक, तो बस थोड़े डांस नंबर्स कम किए हैं, तो और थोड़ा लव और थोड़े से यू नो जिसको आप बोल सकते हैं मेरे जो मेरे को जिस तरह का म्यूज़िक पसंद है उसकी एक छोटी ऑडियंस है, दो मेरे को ये भी बहुत पसंद है, पर मैंने डांस नंबर्स थोड़े से कम किए हैं, तो वो बहुत जल्दी वायरल नहीं होते, ज़िंदगी बता दे टाइप्स, वो उनको टाइम लगता है वायरल होने में, तो मैंने बहुत टाइम में करते करते वो मैंने सोचा कि क्योंकि हर दो महीने में मेरा एक डांस नंबर आ जाता था, तो मैंने बोला थोड़ा उसको ब्रेक देते हैं और थोड़ा कुछ अलग करते हैं, और तरह का भी म्यूज़िक दुनिया में ऊपर वाले ने यू नो आई फील कि ब्लेस किया है मुझे वो बनाने के लिए, तो वो बनाया और आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिज़ी। बाकी जो वायरल होता है नहीं होता वो तो सब आप लोगों के हाथ में, आई थिंक आप भी जो वायरल होता है वो बोल रहे हैं कि शायद आप ही बोल रहे हैं वो वायरल कुछ नहीं हुआ रिसेंट पास्ट में, लास्ट हमारा ये बहुत वायरल हुआ था, बट वो फिर इट्स अ लूप एक्चुअली, फिर वायरल होता है दो तीन महीने कोई भी चीज़ वायरल होती है, फिर वो फिर बैठ जाता है, फिर कुछ हो जाता है, अभी वो तो क्या बोलूँ मैं तो मतलब इतनी बार कर लिया है आपको सब पता है सारी कहानी पता है, और जब आप सोचते हो आप बोलते हो कितना करूँ मैं, मतलब जो वायरल दूँ इतना भी वायरल नहीं रहना, क्योंकि क्या सच्ची बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे मैं ऐसे म्यूज़िक के ऐसे कैटेगरी में फॉल होता हूँ ना, जिस तरह का म्यूज़िक बना वो साला वायरल होता ही होता है, तो मैं करूँ क्या, तो मैं थक जाता हूँ, थोड़े टाइम वायरल नहीं होते, वायरलिटी से परेशान हो गया आप, मतलब डांस नंबर देखे और वो वायरल देकर आप सेटिस्फाई हो गए ये कह सकते हैं? सेटिस्फाई तो कुछ टाइम के लिए सेटिस्फाई हो गए, वो कुछ टाइम के लिए हम हर चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं, खाने से भी और बाकी सब चीज़ों से भी, पर वो सब कुछ कुछ टाइम के लिए ही होता है, एंड दिस इज हाउ ह्यूमंस आर। तो ये सेटिस्फैक्शन मतलब जो पैसा बनाया उस चीज़ से वहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन आएगी यार चलो अभी थोड़ा सा अब मैं दूसरे जॉनर पे जाता हूँ वहाँ पे थोड़ी सी ऑडियंस गेन करता हूँ, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा रिस्क भी है ना, एक चीज़ आप कर रहे हो जो हिट जो चल रही है, तो आर्टिस्ट सोचता है यार कि मैं करता ही जाऊँ, क्योंकि अब आप देख रहे हो कितनी हाइप चल रही है अरीना सोल्ड आउट करने की, होड़ लगी हुई है, अब लाइव शोज़ की तरफ ऑडियंस आर्टिस्ट बढ़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा लाइव करेगा, तो उसके लिए रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और आपने एकदम वो जॉनर छोड़ के जो चल रहा है, मतलब आपने एकदम जॉनर शिफ्ट कर लिया, तो वो रिस्क भी है, तो वो क्यों मतलब आपको लगा कि आई फील कि उसके लिए मतलब देखो ना मतलब समझने वाली बात है कि जो जिसमें उतनी सॉरी मतलब मैं हम्बल रहना चाहता हूँ भाई आप वर्ल्ड के बोलो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना उनका जवाब आप वैसे देखो आई फील कि ऊपर वाले ने पावर दी है मुझे कि मैं घर में रात को ना भी कुछ करूँ तो इट्स ऑल सॉर्टेड, तो आई फील कि आई चोज नॉट टू डू दोज बिकॉज फिर से आप वही एक लूप है, डांस नंबर बनाओ फिर उसको प्रमोट करो उतने रील्स करो इधर जाओ उधर जाओ ये क्रिएटर वो क्रिएटर, और जो कि सारे लेबल्स तो कर ही रहे हैं, तो मैंने आप बोल सकते हैं कि एक सबैटिकल एक ब्रेक छोटा सा लिया है, फिर डालूंगा कुछ, अभी मैं शूट कर रहा हूँ फिर से बिकॉज वो हमारी ब्रेड एंड बटर है, वहाँ से ही पैसा बनता है और पैसा तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अभी आप पैसा इन्जॉय कर रहे हो ऐसा कह सकते? नहीं इतना तो पैसा नहीं है, पैसा तो नहीं पैसा, अब पैसा भी एक्चुअली डिपेंड्स कि किसको कितना लगता है, मुझे लगता है कि हमने सोचा नहीं कभी, अब हम सब कुछ हमारी पूरी फैमिली हम सब कुछ मॉम डैड के हाथ में देते हैं और हमें जो बेसिक नीड्स हैं वो सब पूरी होती हैं, तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें तो यही लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, भले ही शायद अकाउंट्स में उतना ना हो वो मम्मी पापा को पता होगा बिकॉज वो हमारी टेंशन है नहीं, वो हम ब्लेस्ड हैं कि वो मेरे बहुत दुनिया के सबसे खूबसूरत मेरे पिताश्री और माताश्री हैं हमारे साथ, तो वो सब देख लेते हैं, तो फिर हमें नहीं पता होता हमारे पास पैसा है नहीं है, बट जो चाहते हैं वो सब हो जाता है, तो और क्या यार। पर भाई जैसे आपने कह सकते कि आपने क्रैक किया कि भाई ये चल रहा है और आपको पता था कि मैं ये डालूंगा तो ये चलेगा ही,
फिर आपने शिफ्ट भी किया, तो वो आपके लिए मुश्किल था कि भाई, मुश्किल नहीं था कि भाई मैं शिफ्ट करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने डिस्कस करा किसी से? नहीं, शिफ्ट इतना कुछ नहीं किया। अभी तो वो मैंने कमसिन कर ली उनके साथ, धनश्री के साथ, अभी जनवरी में LSD का गाना किया, उसको इतने हमने रील्स बनाई है किया, वो भी वायरल हुआ। फिर भाई अभी जनवरी में 8 महीने बीत चुके, 8 महीने इज नथिंग अगर आप करियर देखे। आप आज की वो देखो, ऑडियंस इतनी भूखी है कॉन्टेंट की, आर्टिस्ट अगर 3 महीने में कुछ नहीं डाल रहा नया, तो वो फिर नया आर्टिस्ट आ रहा है। आप देख ही रहे हो इंटरनेट कितनी फास्ट चल रहा है भाई। देखें, आप जिंदगी को और पूरी आपके करियर को, आप अपने लाइफ को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी लेते हैं, तो वो ट्रू सक्सेस है। अब आप बहुत पॉडकास्ट करते हो, आप बहुत समझदार लोग हो, आपको पता है कि मतलब मेहनत कितनी जाती है, है ना? अगर आप आर्टिस्ट जितने भी हैं, आप जिनको बोलते हो सक्सेसफुल है, तो वो फिर उतनी स्लॉगिंग भी तो चालू है ना यार। तो वो जब फिर एक स्टेज, हर किसी का एक स्टेज होता है, 4 साल 5 साल 6 साल हिट पे कितने बंदा खुद भी परेशान होता है कि रेस्ट यार अब मेरा हो गया यार, आई एम डन विद दिस शिट, नॉट डन बट या कंटेंट फॉर द टाइम बीइंग। आपको अपना आर्ट और एक्सप्लोर करना है, ये ऐसा है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे वो करना था, मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं, एक कंटेंट होना था मुझे थोड़े टाइम के लिए, वो मैं हो गया बस, अब फिर करूंगा। इसकी वजह ऑडियंस भी कह सकते हैं कि ऑडियंस ने थोड़ा आपको बोला हो, या जैसे कमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें, एक तरह का भाई, हाँ सेम फ्लेवर आ रहा है और कुछ नया करो, ऐसा कुछ इसलिए करा? पता नहीं, मैंने इतना सोचा, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जब भी गाने बनाता हूँ उनके लिए, तो बाकी तो मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, आई फील कि जो होता है ना, जो होना होता है, होनी होती है, उसको थोड़ा देना चाहिए क्रेडिट कि जो होना है वो होना है, इट्स ऑल राइट। बट सोशल मीडिया ट्रोलिंग और वो सब हिट करती थी आपकी साइकोलॉजी पे, क्योंकि एक तरफ गाने तो भाई मैसिव हिट हैं, हर जगह बज भी रहे हैं, मूवी में आके और बड़े भी हो रहे हैं, और एक तरफ लिरिक्स और उसको लेके ट्रोलिंग चल रही है, तो आपको वो इफेक्ट करता था कि यार क्यों, कि एंजॉय भी आप ही कर रहे हो, गाली भी आप ही दे रहे हो, तो वो हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोग सब कुछ लिखते हैं, हर तरह के गाने बनाते हैं, अपना करियर सेट कर लेते हैं, म्यूजिक लेबल एक बड़ा सा बना लेते हैं, जिसकी अभी हम अब रिकॉर्ड बात कर रहे थे, हमें पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, हम नहीं परेशान होते। हाँ कुछ लोग हो जाते हैं, बट मैं नहीं होता। बट टोनी भाई, इनिशियली जब ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस टाइम कभी हिट नहीं करा, कभी डिस्कस नहीं करा आपने फैमिली में? जब मैं थोड़ा ना समझ था, शायद आप ये बोल सकते हैं, मैं तब बहुत ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ता नहीं था, तो फिर मेरी जिंदगी में ओशो आए और उन्होंने ओशो नाउ वी आर टॉकिंग, मेरी फीड पे ही आए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरी फीड पे आए, देन आई एक्सप्लोर्ड थोड़ा ये साइड भी किताबों का, थोड़ा समझ का, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा थोड़ा डीप जाना चाहिए, और इनको उस तरह से लेना चाहिए कि एक एक 17 साल का लड़का, 16 साल का लड़का बैठा हुआ है, उसको शायद उसको डोपामिन रिलीज हो रहा है चुतिया लिखने में, तो होने दो ना, खुश होने दो, खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में। आप अगर किसी को बिना हार्म किए, मुझे लगता है उनको क्योंकि उनकी नज़र में ये कोई हार्म नहीं है, उनको लगता है हम चुपके से तो एक रूम में बैठे हो, चुतिया लिख दिया है, या लिख दिया कि आया है, ऐसा है वैसा है, हमारी लाइफ में क्या है, थोड़ा मजाक कर दिया कमेंट्स में, मजाक कर दिया, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, उसको खुशी मिल जाएगी, हो लो यार खुश, पर हमारे को तो रिटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, तो हम भी खुश होते हैं, हम बोलते हो हाँ इतने कमेंट्स आ गए, ये हो गया, ठीक हो गया। बाकी जब मैं थोड़ा ना समझता तब इसको थोड़ा लेता था। कभी-कभी ये भी सोचे, जितना ज्यादा ये ऐसे कमेंट आ रहे हैं उतना ज्यादा हिट हो रहा है गाना,